सो गाइज, मेकअप तो हम सब लोग ही करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करना कितना जरूरी होता है। सो स्किन प्रेप करने का कुछ स्टेप्स होता है और वही स्टेप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैं मेकअप से पहले अपने स्किन को कैसे प्रेप करती हूँ वही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो क्लिंजिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। हिमालय का फेस स्टार्ट फेस वॉश से अपनी फेस क्लीन कर रही हूँ। मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है इसलिए मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मैं फेस शेव करने वाली हूँ। सो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि फेस शेव कैसे करें, फेस शेव करना चाहिए या नहीं चाहिए, सूट करेगा कि नहीं करेगा, ज़रूरी है या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अभी उस क्वेश्चंस पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूंगी, फेस शेविंग के बाद फेस पे जो मेकअप का एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही स्मूथली होता है, इसलिए मैं करती हूँ ये स्टेप। अगर आप लोग चाहो और शेविंग के बाद आपका स्किन बन जाता है बहुत ही बेबी सॉफ्ट सा, तो मैं क्या करती हूँ, पहले फेस के एक साइड पे जहाँ पे मैं शेव करने वाली हूँ वहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेती हूँ, फिर इस रेजर से शेव करना चालू करती हूँ, पूरे फेस पे कर लेती हूँ। आप एलोवेरा जेल के बदले कोई क्रीम भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे जेल लगाना पसंद है इसलिए मैं जेल यूज़ कर रही हूँ। और फेस शेविंग के बाद हमारे ये स्किन से बहुत ज़्यादा डेड सेल्स भी रिमूव हो जाता है। इसके बाद मैं कर लूँगी स्क्रब, ये है हिमालया का वॉलनट स्क्रब। बहुत ही जेंटल होना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी हमने शेविंग किया है फेस के, सो धीरे धीरे हल्के हाथों से स्क्रब करना होगा। ये स्टेप डेली करने की ज़रूरत नहीं है और इसके पहले का जो शेविंग का स्टेप है वो भी आप लोगों को डेली करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ मेरे फेस पे, ये है रोज़ ग्लो टोनर फ्रॉम गुड वाइब्स। अच्छे से टोनर अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पे थोड़ा सा टैप टैप कर लूँगी ताकि वो टोनर बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए स्किन पे। और इसके बाद करेंगे हम लोग मॉइस्चराइज। मैं यहाँ पे निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ मेरे फेस पे। सो थोड़ा सा हल्का हल्का मसाज करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी और लिप बाम लगा लूँगी। ये ढक्कन नहीं खुल रहा है लिप बाम का यहाँ पे। लास्ट स्टेप है स्किन प्राइम करना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं स्किन प्राइम कर रही हूँ लोटस के प्राइमर के साथ। मैं अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई कर लूँगी प्राइमर को। अभी मेरी स्किन बिल्कुल रेडी है इस पर मेकअप अप्लाई करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।